हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम। RCH का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 अक्टूबर 1997। ठीक है, तो RCH जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया था। एज पर इसके रिकमेंडेशन पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन कैरियो इन 1994। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो RCH प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स, टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, टू एंश्योर सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि मदर और चाइल्ड की हेल्थ को प्रमोट करना, कैसे सेफ मदरहुड से और चाइल्ड सर्वाइवल को एंश्योर करना। सेकंड है द इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस IMR एंड MMR, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी रिड्यूस करना। उसके बाद में थर्ड है द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग थ्रू रेस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जैसे कि फैमिली प्लानिंग वगैरह से पॉपुलेशन को स्टेबलाइजिंग करना। इंटरवेंशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ RCH, तो इंटरवेंशन और कॉन्सेप्ट ऑफ RCH देखते हैं। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड मैटरनल केयर यानी सेफ मदरहुड। थर्ड है चाइल्ड सर्वाइवल। फोर्थ है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ HIV या एड्स। उसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ RCH, तो कंपोनेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ कंपोनेंट्स जो है वो दिए हैं, जैसे कि मेन कंपोनेंट्स है इसके फैमिली प्लानिंग, ठीक है, उसके बाद चाइल्ड सर्वाइवर एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम एंड इन प्रिवेंशन मैनेजमेंट ऑफ RTI एंड STDs एंड एड्स एंड क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर। ठीक है, और कुछ अदर एक्टिविटीज़ अदर कंपोनेंट्स भी है, जैसे प्रोवाइड काउंसलिंग, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन सर्विसेज ऑन हेल्थ, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर डिफरेंस। नेक्स्ट है रेफरल सर्विसेज फॉर ऑल अबोव इंटरवेंशन। ठीक है, तो रेफरल सर्विसेज देना और गुड मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशनल एजुकेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज फॉर एडोलेसेंट। उसके बाद में RCH पैकेज फॉर वेरियस सर्विसेज, तो वेरियस सर्विसेज पे RCH पैकेजेस क्या हैं, जैसे कि पहला फॉर मैटरनल सर्विसेज। मैटरनल सर्विसेज के लिए क्या है, सेफ मदरहुड। द सर्विस कंपोनेंट आर ऑब्स्टेट्रिकल केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड न्यूट्रिशनल प्रमोशन। सेकंड है फॉर चाइल्ड सर्विसेज, फॉर चाइल्ड सर्विसेज के लिए चाइल्ड सर्वाइवल। द इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न इंक्लूडिंग केयर ऑफ द एट रिस्क न्यूबॉर्न बाय प्रॉम्प्ट रेफरल सर्विसेज, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स एंड न्यूट्रिशन प्रमोशन। उसके बाद में थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे करना, इनफर्टिलिटी को कंट्रोल करके और MTP सर्विसेज देके, जिससे टू प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सके। उसके बाद में एडोलेसेंट केयर एंड HIV एंड एड्स प्रिवेंशन। उसके बाद में RCH प्रोग्राम फेज फर्स्ट, तो RCH प्रोग्राम फेज फर्स्ट के अंदर भी बहुत से जो है वो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिए स्टेटस हैं, जैसे कि प्रोविजन ऑफ इसेंशियल एंड इमरजेंसी एंड इसेंशियल केयर देना, प्रोविजन करना किसके लिए, इक्विपमेंट्स के लिए और ड्रग किट के लिए, जो कि सेलेक्टेड PHC या फिर सेलेक्टेड फर्स्ट रेफरल यूनिट्स में हो और इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद में प्रोविजन ऑफ एडिशनल ANMs, स्टाफ नर्स एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन फॉर सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स।
उसके बाद में प्रोविज़न फॉर 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज एट PSCs एंड CSCs लेवल। उसके बाद में रेफरल ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन इम्यूनाइजेशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। उसके बाद में है नेक्स्ट प्रिवेंशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है, IMCI। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सर्वे फॉर फोकस इंटरवेंशन टू रिड्यूस IMR एंड MMR, ठीक है। उसके बाद में न्यू इनिशिएटिव अंडरटेकिंग ड्यूरिंग फेज ऑफ RCH, कुछ न्यू इनिशिएटिव्स भी हैं RCH इसकी इस फेज में, जैसे कि गेटिंग अप द ब्लड स्टोरेज यूनिट फॉर फर्स्ट रेफरल यूनिट, ठीक है। तो ब्लड स्टोरेज यूनिट है उनका भी, उनको भी यूज ऑफ फर्स्ट रेफरल यूनिट में, और ट्रेनिंग ऑफ MBBS डॉक्टर इन एनेस्थेटिक स्किल्स फॉर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिकल केयर एट फर्स्ट रेफरल यूनिट। उसके बाद में कुछ कमियां भी हैं RCH फर्स्ट फेज में, जैसे कि द आउटरीच सर्विसेज वेयर नॉट अवेलेबल टू द वनरेबल एंड नीडी पॉपुलेशन, ठीक है। जो आउटरीच सर्विसेज है वो अवेलेबल नहीं है वनरेबल और नीडी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। और जो फाइनेंस है, रिसोर्सेज है, वो भी इनएडिक्वेट है, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है जैसे कि डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर्स, वो भी, उनकी भी कमी है। और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम आर लैकिंग, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और इवैल्यूएशन सिस्टम जो है उसकी भी कमी है, और इफ़ेक्टिव नेटवर्क ऑफ फर्स्ट रेफरल यूनिट वाज लैकिंग, ठीक है। तो जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है उनकी भी कमी है, और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जैसे कि PSC एंड CSC वाज पुअर, ठीक है। PSC मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वाज पुअर, एंड लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। उसके बाद में RCH सेकेंड फेज, जो RCH की सेकेंड फेज है वो कब से स्टार्ट हुई, तो RCH की सेकेंड जो फेज है वो 1 अप्रैल 2005 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसमें RCH 2 के कुछ विज़न हैं, जैसे कि इम्प्रूविंग असेस और यूज ऑफ क्वालिटी ऑफ RCH सर्विसेज एंड स्पेशली फॉर द पुअर एंड अनडिजर्व पॉपुलेशन, ठीक है। कुछ एम्स हैं RCH सेकेंड फेज के, टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, एंड टू इंक्रीज कपल्स प्रोटेक्शन रेट एंड इम्यूनाइजेशन कवरेज स्पेशली इन रूरल एरियाज। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RCH टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज इंटेंसिवली, टू एक्सपांड RCH सर्विसेज टू ट्रिबल एरियाज आल्सो। नेक्स्ट इज टू मोनिटर एंड इवालुएट द सर्विसेज। नेक्स्ट द टू इम्प्रूव द क्वालिटी कवरेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सिस्टिंग फैमिली वेलफेयर सर्विसेज एंड इसेंशियल RCH सर्विसेज विद स्पेशल फोकस ऑन द अबोव मेंशन EAG स्टेटस। उसके बाद में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं RCH सेकेंड फेज के, तो कंपोनेंट्स में पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग, सेकेंड है मैटरनल हेल्थ, थर्ड है न्यूबॉर्न हेल्थ, न्यूबॉर्न केयर, फोर्थ है चाइल्ड हेल्थ, फिफ्थ है एडोलेसेंट हेल्थ, सिक्स्थ है कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, सेवन्थ है हर्बल हेल्थ, एट है ट्रिबल हेल्थ, नाइन्थ है मॉनिटरिंग एंड इवालुएट, एंड टेंथ है अदर प्रायोरिटी केयर्स। तो ये सब है कंपोनेंट्स ऑफ RCH सेकेंड फेज के। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है ICDS प्रोग्राम, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ICDS का लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर 1975, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को ये लॉन्च किया गया था। ICDS स्कीम रिप्रेजेंट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट यूनिक प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जो अब ये प्रेजेंट में क्या है, जो ICDS जो स्कीम है वो कि वो एक लार्ज एंड मोस्ट यूनिक प्रोग्राम है, किसके लिए, फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए। ICDS इज फॉरमोस्ट सिंबल्स ऑफ
इंडिया कमिटमेंट फॉर हर चिल्ड्रन, इंडियाज रेस्पॉन्स टू द चैलेंज ऑफ प्रोवाइडिंग प्री स्कूल एजुकेशन ऑन वन हैंड एंड ब्रेकिंग द इसी साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन, मॉर्बिडिटी, रिड्यूस लर्निंग कैपेसिटी, मोर्टेलिटी ऑन द अदर। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS स्कीम वाज लॉन्च इन 1975 विद फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 6 ईयर। ठीक है, 0 to 6 ईयर के एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं उनकी न्यूट्रिशनल को इम्प्रूव करना और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना, टू ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो चिल्ड्रन हैं उनकी साइकोलॉजिकल फिजिकल एंड सोशल जो है उनका भी डेवलपमेंट करना। उसके बाद में नेक्स्ट है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है टू अचीव इफेक्टिवनेस कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है टू इन्हांस द कैपेसिटी ऑफ मदर टू लुक आफ्टर द नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, तो जो मदर है उसकी भी कैपेबिलिटी को बढ़ाना होता है, जो न्यूट्रिशनल और हेल्थ नीड है बच्चे की उसको पूरा करने के लिए, ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके बच्चे को। ठीक है, अब इसके अंदर सर्विसेज क्या क्या दी जाती हैं, द ऑब्जेक्टिव आर सॉट टू बी अचीव्ड थ्रू ए पैकेज ऑफ सर्विसेज कंप्राइजेस, जैसे कि सर्विसेज क्या क्या है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, इम्यूनाइजेशन है, हेल्थ चेकअप्स है, रेफरल सर्विसेज है, प्री स्कूल है, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन है एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। पहला है न्यूट्रिशन, द इंक्लूड सप्लीमेंट्री फीडिंग एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट विटामिन ए डिफिशियंसी एंड कंट्रोल द न्यूट्रिशन एनीमिया। ठीक है, ऑल फैमिली इन द कम्युनिटी आर सर्वेड टू आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 एंड प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग मदर। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री फीडिंग द आंगनबाड़ी अटेम्प्ट टू ब्रिज द कैलोरी गैप बिटवीन द नेशनल रिकमेंडेड एंड कवरेज एवरेज इंटेक ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन लो इनकम एंड डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। ठीक है, तो जो चिल्ड्रन हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना उनको, ठीक है, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, प्रॉपर फीडिंग देना, ठीक है, और प्रोफाइल एक्सिस देना अगेंस्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए, और जो न्यूट्रिशन एनीमिया है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, उसके सेकंड है ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड न्यूट्रिशन सर्विलेंस आर टू इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 3 ईयर ऑफ एज आर वेटेड वंस ए मंथ। ठीक है, 3 ईयर से बिलो एज के बच्चे के वेट करना है वंस ए मंथ, और चिल्ड्रन 3 to 6 ईयर ऑफ एज उनका वेट कब करना है, क्वार्टरली। ठीक है, वेट फॉर एज ग्रोथ कार्ड आर मेंटेन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। ठीक है, वेट फॉर एज ग्रोथ का जो कार्ड होते हैं वो मेंटेन करना है बिलो 6 ईयर एज के लिए। ठीक है, मतलब इस प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद में दिस हेल्प टू डिटेक्ट ग्रोथ फाल्टरिंग एंड हेल्प द असेसिंग न्यूट्रिशन स्टेटस। बिसाइड सेवरली माल नरिश चिल्ड्रन आर गिवन स्पेशल सप्लीमेंट्री फीडिंग एंड रेफर्ड टू मेडिकल सर्विसेज। उसके बाद नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या करवाएंगे, इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंट वुमेन्स एंड इन्फेंट प्रोटेक्टिव चिल्ड्रन फॉर 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, जैसे
poliomyelitis, diphtheria, pertussis, tetanus, tuberculosis and measles. There are major preventable causes of children mortality, disability, morbidity and related malnutrition. Immunization of pregnant women against tetanus are reduced maternal and neonatal mortality. ठीक है, तो immunization करना है mother and children दोनों के लिए. ठीक है, तो जो बच्चे का immunization है, infant का immunization है, वो जो six killer diseases है उनको prevent करने के लिए, and mother का है जो against tetanus उसका immunization करते हैं. उसके बाद में health checkups. तो हेल्थ चेकअप्स में क्या है, इंक्लूड हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर ऑफ एज, एंटीनेटल केयर ऑफ एक्सपेक्टेड मदर्स एंड पोस्टनेटल केयर ऑफ नर्सिंग मदर्स. द वेरियस हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रंस बाय आंगनबाड़ी वर्कर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स स्टाफ, इंक्लूडिंग रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, रिकॉर्डिंग ऑफ वेट्स, इम्यूनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डीवॉर्मिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल मेडिकेशन एक्सेट्रा. ठीक है, तो जो हेल्थ चेकअप्स हैं उनको भी करना है आंगनबाड़ी सेंटर्स पे और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उन पे. ठीक है, उसके बाद में रेफरल सर्विसेज. तो रेफरल सर्विसेज में क्या करते हैं, ड्यूरिंग हेल्थ चेकअप्स द ग्रोथ मॉनिटरिंग सिक एंड माल रिस्क चिल्ड्रन इन नीड टू प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंडेंट आर रेफर टू द प्राइमरी हेल्थ सेंटर और इट सब सेंटर. तो जो हेल्थ चेकअप हमने किया है अगर उसके अंदर ग्रोथ मॉनिटरिंग की है, तो उसमें अगर सिक या माल रिस चिल्ड्रन हमको मिला है तो उसको नीड होती है रेफरल सर्विसेज की. ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या फिर सब सेंटर पे उसको भेजना है. द आंगनबाड़ी वर्कर्स हैज आल्सो बीन ओरिएंटेड टू डिटेक्ट डिसएबिलिटीज इन यंग चिल्ड्रंस. ठीक है, मतलब जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी वो भी ओरिएंटेड रहे किसके लिए, टू डिटेक्ट डिसेबिलिटीज. ठीक है, तो यंग चिल्ड्रन हैं उनमें कोई डिसेबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए. शी एनलिस्ट ऑल सच केसेस इन ए स्पेशल रजिस्टर्ड एंड रेफर्ड देम टू द मेडिकल ऑफिसर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर. उसके बाद में नॉन फॉर्मल या प्री स्कूल एजुकेशन देना. ठीक है, जो कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में दिया जाता है. द आंगनवाड़ी सेंटर्स ए विलेज क्वार्टर यार्ड इन द मेन प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरिंग ऑफ दीज सर्विसेज. दीज आंगनवाड़ी सेंटर्स हैव बीन सेटअप्स इन एवरी विलेज इन द कंट्री. ठीक है, तो प्री स्कूल एजुकेशन फोकस ऑन द टोटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द एज अप टू 6 ईयर मेनली फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स. इट्स प्रोग्राम्स इट इज प्रोवाइडेड एंड इंश्योरिंग ए नेचुरल जॉयफुल एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट विद एम्फेसाइज ऑन नेसेसरी इनपुट फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक चिल्ड्रन है जो आंगनबाड़ी सेंटर्स पे खेल रहा है. तो जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो आंगनबाड़ी सेंटर्स पे दी जाती है. उसके बाद में अर्ली लर्निंग कंपोनेंट्स ऑफ ICDS इज ए सिग्निफिकेंट इनपुट ऑफ प्रोवाइडिंग ए साउंड फाउंडेशन फॉर अक्यूमुलेटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड डेवलपमेंट. इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर चाइल्ड द नेसेसरी प्रिपरेशन द प्राइमरी स्कूलिंग एंड ऑफरिंग कॉन्स्टिट्यूट केयर ऑफ यंग सिबलिंग्स थस फ्रिंग द ओल्डर वन स्पेशली गर्ल्स टू अटेंड स्कूल. उसके बाद में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन. तो न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन कैसे देते हैं, इज ए की एलिमेंट्स ऑफ द वर्क ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स. ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन और हेल्थ एंड हेल्थ एजुकेशन है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स जो वर्क करती हैं उनका जो की एलिमेंट्स होता है. द फोकस पार्ट ऑफ बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी. ठीक है, दिस हैज़ द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग द वुमन स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 45 ईयर.
so that they can look after their own health, nutrition and development need as well as that of their children and family. The ICTS team. ICTS team में कौन कौन होता है? तो ICTS team comprises an Anganwadi workers, Anganwadi helpers, supervisors, child development project officer, CDPOs and district program officer, DPOs and medical officers कौन कौन से होते हैं? ANM, ASHA, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम. डेफिनेशन देखते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की. अकॉर्डिंग टू WHO 1976, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज प्रमोटिंग, प्रिवेंटिंग, थेरेप्यूटिक और रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज और केयर फॉर द मदर एंड चाइल्ड. ठीक है, तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को कैसे डिफाइंड किया है WHO ने? एज जो मैटरनल और चाइल्ड है उनके लिए प्रमोटिंग और प्रिवेंटिंग, थेरेप्यूटिक और रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज और केयर प्रोवाइड करना. थस मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इज एन इम्पोर्टेंट एंड इनिशियल सर्विसेज रिलेटेड टू द मदर एंड चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट. उसके बाद में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम. तो क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है? रिड्यूस मैटरनल पेरीनेटल इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मोरबिडिटी रेट. ठीक है, सेकंड है चाइल्ड सर्वाइवल. थर्ड है प्रमोटिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेफ मदरहुड. फोर्थ है इंश्योरिंग बर्थ फॉर हेल्थी चाइल्ड. नेक्स्ट है प्रिवेंशन माल न्यूट्रिशन. नेक्स्ट प्रिवेंशन कम्युनिकेबल डिजीज. नेक्स्ट अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम. एंड नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन एंड फैमिली सर्विसेज. नेक्स्ट है सब एरियाज. द कंपोनेंट्स ऑफ MCH इंक्लूड द फॉलोइंग सब एरियाज. ठीक है, तो MCH जो प्रोग्राम है उसके अंदर कुछ सब एरियाज होते हैं, जैसे कि मैटरनल हेल्थ होती है, फैमिली प्लानिंग होती है, चाइल्ड हेल्थ होती है, स्कूल हेल्थ होती है, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस के लिए केयर होती है, केयर ऑफ चिल्ड्रन इन स्पेशल सेटिंग्स सच एज डे केयर सेंटर्स. उसके बाद एक्टिविटीज ऑफ MCH प्रोग्राम. क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर. ट्रेडिशनल एक्टिविटीज एरिया ऑफ दिस प्रोग्राम. कम्प्लीट फर्स्ट है कम्प्लीट हेल्थ चेकअप अप एंड केयर ऑफ चाइल्ड मदर फॉर कंसेप्शन टू बर्थ. ठीक है, कंसेप्शन से बर्थ तक कम्प्लीट मदर की और चाइल्ड की केयर करना और स्टडिंग हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन. ठीक है, और मदर एंड प्रॉब्लम की हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसकी स्टडी करना और प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू पेरेंट्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल एंड असिस्टेंट वर्कर्स. ठीक है, प्रोफेशनल्स एंड असिस्टेंट वर्कर्स को ट्रेनिंग देना. उसके बाद में नीड ऑफ MCH प्रोग्राम. MCH प्रोग्राम की क्या नीड है? तो फोर जो मेन रीज़न है कि क्यों मदर एंड चाइल्ड की हेल्थ के लिए जो ये प्रोग्राम वो चलाया गया है, तो क्या क्या नीड है? जैसे फर्स्ट है मदर एंड चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 15 ईयर मेकअप द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन द ऑलमोस्ट कंट्री. ठीक है, तो जो मदर और जो बिलो 15 ईयर के जो चाइल्ड है वो जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसका एक मेजोरिटी पार्ट में इन्वॉल्व है. ठीक है, एक मेजर पार्ट है कंट्री की पॉपुलेशन का. सेकेंड है मदर एंड चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट ए स्पेशल रिस्क. मतलब ये मदर और चिल्ड्रन जो होते हैं ये स्पेशल रिस्क की कैटेगरी में आते हैं और वनरेबल ग्रुप्स होते हैं किसी डिजीज़ के लिए, डेथ के लिए. ठीक है, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो, या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन केस ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन. ठीक है, थर्ड है बाई इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ मदर चिल्ड्रन वी कैन इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी. ठीक है, फोर्थ है इंश्योरिंग चाइल्ड सर्वाइवल इन ए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फॉर द
फैमिली एंड कम्युनिटी। तो जो चाइल्ड सर्वाइवर है वो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह इंश्योर करना, ताकि फैमिली और कम्युनिटी के लिए वो इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, तो चाइल्ड है वो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह उनको ट्रीट करना। तो इन सब केयर के लिए जो MCS प्रोग्राम है उसकी नीड होती है। उसके बाद में इंडिकेटर्स ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। चाइल्ड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कैन बी इवेलुएट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर। तो फर्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बिलो 1 for every 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, तो जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करना। ठीक है, एवरी 1000 लाइव बर्थ में बिलो 1 करना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको भी कम करना, 1000 लाइव बर्थ में बिलो 30 बर्थ। ठीक है, और डेथ रेट है, डेथ रेट ऑफ 1 to 4 ईयर ओल्ड एज ग्रुप बिलो 10। ठीक है, और साइज ऑफ फैमिली 2 to 3 मेम्बर्स। और नेक्स्ट है पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट 30 to 35। उसके बाद में वेट ऑफ मिनिमम 90% ऑफ टोटल चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू हाइट एंड वेट चार्ट। नेक्स्ट है रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन MCH सर्विसेज। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है MCH सर्विसेज में, फर्स्ट है डायरेक्ट केयर, सेकेंड है फाइनेंशियल मैनेजरियल फंक्शन, एंड थर्ड है एजुकेशनल फंक्शन। तो फर्स्ट डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर, फर्स्ट देखते हैं इसके डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर में, फर्स्ट एंटीनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर में सबसे पहले कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट किससे करना, कॉन्टैक्ट इन एवरी प्री प्रेग्नेंट वूमेन, प्रेग्नेंट मदर इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, हिस्ट्री लेना जनरल हेल्थ के लिए, प्रीवियस चाइल्ड बर्थ के लिए और प्रेजेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड, और एंटीनेटल एग्जामिनेशन करना, कंडक्टिंग फिजिकल बर्थ एंड प्रेजेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, और एंटीनेटल एग्जामिनेशन करना और कैलकुलेट करना ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन, और कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, आइडेंटिफाइड हाई रिस्क ऑफ मदर। ठीक है, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्पिंग मदर एंड अदर फैमिली मेम्बर इन प्लानिंग डिलीवरी। सेकेंड है इंटरनेटल केयर। तो इंटरनेटल केयर में क्या क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग द प्लेस ऑफ डिलीवरी, अरेंजिंग नेसेसरी इक्विपमेंट्स, गिविंग मेंटल सपोर्ट टू मदर एंड प्रिपेयरिंग मदर फॉर डिलीवरी। नेक्स्ट है एग्जामिन पोजिशन ऑफ फीटस, डायलेटेड सर्विक्स एंड हार्ट ऑफ फीटस, ऑब्जर्विंग पोजिशन ऑफ ब्लैडर, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड है नथिंग नोटिंग जनरल कंडीशन ऑफ प्रेगनेंट मदर, प्रोसेसिंग ऑफ पेन, टाइम ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग सेफ डिलीवरी, एग्जामिन अम्बिलिकल कॉर्ड एंड नथिंग नोटिंग एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ नेसेसरी टेकिंग हेल्प of doctors and referral patient for a specialty. Next is maintaining through aseptic during delivery. Next is should be ready to handle complication like bleeding, malnutrition, cord prolapse, etc. Next is nothing to correct time for birth, time of birth. उसके बाद में थर्ड है postnatal care. तो postnatal care में क्या care देगी, the week immediately after the child birth is called postnatal care. The responsibility of community health nurse are observing the BP, temperature, pulse of mother immediately after the delivery and then during the following period. Next, collecting information about the general condition, mother, food, sleeping, pain, elimination, etc. and accordingly the nursing care. Observing fundus, perineum, lochia, bladder, etc. Next is observing breast and nipples. Next is protecting the mother from complication like puerperal sepsis, breast inflammation, postpartum hemorrhage, urinary incontinence, urinary retention and thrombophlebitis, and providing required treatment. ठीक है, उसके बाद next neonatal care. Observing the respiratory of newborn immediate after birth, if necessary providing resuscitation.
taking care of umbilical cord and cutting the cord and tying it, usually proper technique. Next is taking notice of abnormalities of congenital defect and informing the relatives. Next is assessing the physical condition of newborn by his Apgar score. 9 to 9 or 10 is ideal score. Next is cleaning the newborn child. Giving bath to the newborn, he has become less popular. Yeah. Taking care of newborn skin and eyes. Keeping the newborn child on safe bed, providing breastfeeding to baby at the earlier. Next is maintaining normal baby temperature of newborn. Give kangaroo mother care. उसके बाद में थर्ड जो मैंने फंक्शन है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, सेकंड है मैनेजरियल फंक्शन ही में क्या करती है, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट मैनेजिंग द नर्सिंग होम्स. ठीक है, प्लेइंग द रोल ऑफ लियाजन ऑफिसर अंडर रेफरल सिस्टम फॉर सेंडिंग द मदर टू हॉस्पिटल फॉर सेफ डिलीवरी. टेकिंग पार्ट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज. Explaining the importance of reproductive and child health in community. Surviving the work of midwife and female health workers and giving them appropriate suggestions. Organizing and managing maternal clinics. Next, coordinating between the doctor family and patient. Next, storing and maintaining the record of maternal and child health services. Next, assisting the research work in the field of maternal and child health services. So next, जो third function है वो है education function. Providing health education to mother, family, either individual or in group. Next, educating using demonstration, pregnant mother and relative about maternal nursing. नेक्स्ट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड डिस्कस फॉलोइंग टॉपिक्स आर प्रेगनेंट मदर. क्या क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एंटीनेटल चेकअप, पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर डाइट, क्लीन एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग मेंटल एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल डिलीवरी बाय ट्रेंड वर्कर, टेकिंग केयर ऑफ इन्फेंट. ठीक है, थस कम्युनिटी हेल्थ नर्स एज मल्टी फेसेटेड रोल in maternal services. It is only through proper discharge maternal infant mortality can be reduced the targeted rate. Next हमारा topic है safe motherhood. Women die every 5 minutes because of childbirth in India. What is the safe motherhood initiative? क्या होता है सेफ मदरहुड इनिशिएटिव. इट इज ए ग्लोबल इफर्ट दैट एम टू रिड्यूस डेथ एंड इलनेस अमंग वुमेन एंड इन्फेंट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज. ये एक ग्लोबल इफर्ट है जिसका एम क्या है, डेथ को रिड्यूस करना, इलनेस को रिड्यूस करना अमंग वुमेन एंड इन्फेंट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज. बाद लॉन्च तो सेफ जो सेफ मदरहुड इनिशिएटिव है वो कब लॉन्च किया गया, 1987 में, टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ एंड कट द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन हाफ बाय द ईयर ऑफ 2000. सेफ मदरहुड गोल क्या है इसका, टू इम्प्रूव वेलबींग ऑफ मदर थ्रू ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑफ प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिंग प्रोमोटिव क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटिव हेल्थ केयर. सेफ मदरहुड के ऑब्जेक्टिव्स, इम्प्रूविंग क्वालिटी, इंक्रीज एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग एंड मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज. सेकेंड है एजुकेट कपल्स टू एंश्योर दे हैव द बेस्ट चांसेस फॉर ए वांटेड सेफ प्रेगनेंसी. थर्ड है टू प्रमोट इम्प्रूवमेंट ऑफ सिस्टम्स ऑफ मॉनिटरिंग मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ सर्विसेज. फोर्थ है टू प्रमोट and implement the evidence-based integrated cost-effective reproductive health intervention with focus on maternal newborn health within primary health care approach. Fifth, to conduct operational research to generate basic best practices and evidence for addressing priority reproductive health problems. उसके बाद में है फोर पिलर्स इन सेफ मदरहुड. तो सेफ मदरहुड के फोर पिलर्स होते हैं, क्या होते हैं, फैमिली प्लानिंग होता है पहला, दूसरा होता है एंटीनेटल केयर होता है,
तीसरा क्लीन सेफ डिलीवरी एंड इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर एंड बेसिक मैटरनिटी केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इक्विटी फॉर वुमेन, इंश्योरिंग सेफ मदरहुड। सेफ मदरहुड मीन्स क्या होता है? इंश्योरिंग दैट ऑल वुमेन हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज दे नीड टू ए सेफली थ्रू प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ इट इंक्लूड। तो जो सेफ मदरहुड का जो कैसे इंश्योर करेंगे, तो इंफॉर्मेशन और सर्विसेज देना थ्रू आउट प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, जैसे कि एजुकेशन ऑफ सेफ मदरहुड, एंटीनेटल केयर, प्रमोशन ऑफ मैटरनल न्यूट्रिशन, एडिक्वेट डिलीवरी असिस्टेंट इन ऑल केसेस, प्रोविजन ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी इंक्लूडिंग रेफरल सर्विसेज फॉर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, अबॉर्शन, कॉम्प्लिकेशन, पोस्टनेटल केयर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेफ मदरहुड के लिए क्या क्या इंश्योर है, जैसे कि फ्री ट्रांसपोर्ट टू हेल्थ सेंटर, फ्री डायग्नोसिस टेस्ट, फ्री नॉर्मल डिलीवरी, फ्री सिजेरियन डिलीवरी, फ्री फूड ड्यूरिंग स्टे इन हॉस्पिटल, फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रीटमेंट न्यूबॉर्न अप टू 30 डेज आफ्टर बर्थ।